नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं करण। आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया म्यूजिक चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं बजाज ईएमआई कार्ड लिमिट इंक्रीज कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा जिन लोगों का लिमिट जो है घट चुका है उसको किस लिए घट चुका है और कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। मेरा जो अकाउंट है बजाज ईएमआई कार्ड का, उसमें क्या है, पहले जो था 75 रुपीज़ लिमिट था, इसके बाद मैंने उसको घट कटा के उसको 25,000 रुपये में ला के खड़ा कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, बजाज जो कस्टमर केयर है, मैं कस्टमर को कॉल किया और उन लोगों ने बताया कि मैंने उनको बताया सर मेरा जो लिमिट है वो घट चुका है, अभी उसको फिर से रिकवर करना है, मतलब उनको बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है एक मेल भेजिए बजाज फाइनेंसर को और उन लोग जो है आपको कैसे मतलब उसको मेल करना है, इसे बताया मुझे। मैं उनसे पूछा कि रीजन क्या है जो मेरा जो घट चुका है वो घटने का कारण क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि आपका जो घट चुका है अपने ईएमआई अगर डाउन कर देते हो, मतलब मेरे को बताया है ईएमआई जो है लिमिट जो है आपका जो डेट है आप फेल कर देते हो, एक ईएमआई फेल कर देते हो, या आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाता है तो आपका जो है बैलेंस जो है वो भी डाउन हो जाता है, मतलब जो लिमिट है वो भी डाउन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपना जो ईएमआई है वो बराबर टाइम पे करें, और इसके साथ साथ जो है आपका जो सिविल स्कोर है वो भी सही रहे, ठीक है, और डाउन ना हो जाए। अगर वो डाउन हो जाएगा तो आपका जो है उसका जो लिमिट है वो भी डाउन हो जाएगा। तो चलिए आपको ये भी बताता हूँ आपको क्या कैसे करना है। इसके लिए आपको मेल भेजना है एक बजाज फाइनेंसर को, तो जो जिस मेल में आपको भेजना है वो मेल आईडी में नीचे दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, इसको जो कॉपी कर लेना है या तो वह स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको क्या है उसी को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपको मेल भेजना है, मतलब इस आईडी को, ठीक है, ये वाला मेल है। और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, मतलब उसका जो टाइटल होगा, मेल का टाइटल होगा वहाँ पे लिखना है लिख के दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको भी आप कॉपी कर लेना है, ठीक है। और अपना जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो भी उसमें टाइप करना है। उसके साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है उसी से आपको भेजना है, ठीक है, कोई दूसरा ईमेल आईडी से मत भेजिए। आपका जो ईमेल आईडी है जो रजिस्ट्रेशन है उसी नंबर से आपको उसी ईमेल आईडी से भेजना है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपके पास एक मेल आएगा, जब मेरे पास आया था, आपके पास की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने किया था मेरे पास मेल आया था, उन लोगों ने पहले एक मेल भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा जो मैसेज है कम वो उसके पास जा चुका है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरे को फिर एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि COVID-19 के वजह से उनका कस्टमर अभी थोड़ा डिमिश चल रहा है, इसी से बताया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद और एक मैसेज आया, मतलब मेल आया, उस मेल के अंदर लिखा हुआ था कि आपका लिमिट इतना है, आपका ये इतना है, बस यही लिखा हुआ था, मगर जो मेरा लिमिट है वो बड़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद और एक मैसेज आया, मतलब 12 घंटे के अंदर फिर एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो लिमिट है वो बढ़ा दिया चुका है। तो मैं देख के बहुत खुश हो चुका था कि बढ़ गया है, ये मत सोचिए बढ़ा नहीं है, मैं बोलने का जो स्टेप बाई स्टेप है मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वो पे जाना है, सर क्या बता रहा हूँ उल्टा सॉरी ध्यान मत दीजिए। तो चलिए फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है, अपने तो मेल भेज ही दिया होंगे, मतलब मैं जैसे बताया हूँ वैसे मेल भेजना है आपको, ठीक, कॉपी। और मैं आपको साइड में जो है एक स्क्रीन के तरफ से आपको दे भी दे रहा हूँ, आप उससे करके आप देख भी सकते हो कैसे भेजना है क्या नहीं, ठीक है। कॉपी करके वापस जो भी टाइप करना है साइड में दे रहा हूँ, अब ऐसे करके आपको सेंड कर दीजिए मेल को, ठीक है। इसके बाद जो मेल आएगा 3 मैसेज के बाद आओ, इसके बाद आपको लास्ट में एक मैसेज आएगा कि आपको इतना लिमिट बढ़ा दिए चुका है, ठीक है। और मेरा जो लिमिट था पहले 75 रुपीज़ लिमिट था वो भी आपको दिखा दिया हूँ, और इसके बाद जो घटा है वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ऐसे था।